OnePlus Nord के अनबॉक्सिंग वाले वीडियो के नीचे आप लोगों ने डिस्प्ले रिव्यू को लेकर काफी सारे कमेंट्स किए, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। बिकॉज OnePlus के ऑफिशियल कम्युनिटी हैंडल पर कुछ यूजर्स ने OnePlus Nord के डिस्प्ले को लेकर रिपोर्ट किया है कि डिस्प्ले में कुछ यूजर्स को ग्रीन टिंट का इशू आ रहा है, एग्जैक्ट वैसा ही जैसा OnePlus 8 Pro के यूजर्स को देखने को मिला। लकीली मुझे जो रिटेल यूनिट मिला है वहां पर ऐसा कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम OnePlus Nord के डिस्प्ले का एक डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, साथ में डिस्प्ले का ये जो इशू है इसे भी हम इस डिवाइस में चेक करने वाले हैं। डिस्प्ले में क्या कमी देखने को मिलती है और डिस्प्ले को लेकर आप लोगों के जो भी डाउट है आई बिलीव इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली दूर हो जाएंगे। तो डिस्प्ले को लेकर हमने सभी टॉपिक्स को ऑलमोस्ट कवर किया है, तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी क्वेरी लिखने से पहले वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लेना। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्प्ले का एक क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। ये 6.4 इंचेस का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल है, जहां आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। तो एक तो सुपर एमोलेड पैनल, ऊपर से 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, तो डिस्प्ले सच में काफी ज्यादा स्मूथ है। कलर रिप्रोडक्शन काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो अगर आप इस डिस्प्ले के साथ में वीडियो एक्सपीरियंस करते हो तो वहां पर आपको एक बहुत ही अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस होने वाला है। कलर्स काफी बैलेंस है, तो आपको डिस्प्ले क्वालिटी को लेकर कोई भी इशू नहीं होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप इस डिवाइस का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करोगे तो सबसे बेस्ट पार्ट आपको डिस्प्ले ही लगेगा, क्योंकि अगर आप इस डिस्प्ले में बेजल्स को नोटिस करोगे तो बॉटम साइड को छोड़कर ओवरऑल बहुत ही कम बेजल्स देखने को मिलते हैं। तो काफी हद तक आपको डिस्प्ले के साथ में एक बेजललेस एक्सपीरियंस होने वाला है। ये डिस्प्ले वाइड वाइन L1 भी सपोर्ट करता है, तो आप नेटफ्लिक्स और Amazon जैसे प्लेटफॉर्म पर HD स्ट्रीमिंग काफी आराम से कर सकते हो। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का फीचर भी देखने को मिलता है, जहाँ आप देख सकते हो ये काफी अच्छे से और काफी क्विकली काम कर रहा है। इसके अलावा फेस अनलॉक जैसा फीचर भी दिया गया है, जो आप देख सकते हो कि काफी अच्छे से काम कर रहा है। बाकी इसके अलावा डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है वो काफी अच्छा है, और अगर आप डे लाइट आउटडोर कंडीशन में इस डिस्प्ले को यूज करते हो तो डिस्प्ले काफी विजिबल है और डिवाइस को यूज करने में आपको कोई भी इशू नहीं होगा। डिस्प्ले के अंदर एम्बिएंट फीचर होने की वजह से आप सिंगल टैप में टाइम और नोटिफिकेशन को भी देख सकते हो, जो कि काफी हैंडी फीचर आप बोल सकते हो। अब आप लोगों में से काफी सारे यूजर्स को डिस्प्ले को लेकर डाउट था कि यहाँ पर जो डिस्प्ले है वहां पर आपको ग्रीन टिंट या फिर स्क्रीन ब्लेंडिंग जैसा कोई इशू तो देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस देखो, मैंने पर्सनली इस डिवाइस को काफी अच्छे से टेस्ट किया है, डिस्प्ले में आपको ऐसा कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता। ऑफकोर्स कुछ यूजर्स को ये इशू देखने को मिला था, जहां मिनिमम ब्राइटनेस लेवल पर अराउंड 25-30% के आसपास आपको डिस्प्ले में कॉर्नर के आसपास कुछ डिस्कलोरेशन और ग्रीन टिंट या फिर पर्पल टिंट जैसे कुछ देखने को मिलता है, बट मुझे ऐसा कुछ भी यहां पर देखने को नहीं मिला। इवन मैंने डार्क मोड पर इंडोर कंडीशन में भी ये चीज ट्राई की है, बट ऐसा कोई भी इशू नहीं मिला। और अभी तक डिस्प्ले को लेकर आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी ये चीज बताई होगी कि उन्हें डिस्प्ले को लेकर ऐसा कोई इशू फेस करना पड़ा है, क्योंकि एक्चुअल में ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, जो कि हर किसी प्रोडक्ट यूनिट के साथ में नहीं था। मैंने खुद पर्सनली इसे अपने यूट्यूब ऐप के ऊपर ट्राई करके देखा है। इसके अलावा डार्क मोड पर मैंने गूगल क्रोम ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड पर भी जाकर ये चीज ट्राई करके देखी, तो वहां भी मैंने ऐसा कोई इशू नोटिस नहीं किया। इवन मिनिमम ब्राइटनेस लेवल पर अगर आप ग्रे कलर लेआउट में कीबोर्ड यूज करते हो तब भी एक्चुअल में डिस्प्ले के साथ में ऐसा कोई इशू नहीं था। तो वो एक तरह से आप मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बोल सकते हो, जो कि स्पेसिफिक कुछ यूनिट के साथ में था, जो अगर एक सॉफ्टवेयर इशू हुआ तो डेफिनेटली OnePlus इसे OTA अपडेट के थ्रू बहुत ही जल्दी फिक्स कर देगा। इवन अब जो यूनिट परचेज के लिए अवेलेबल होंगे वो ऑलरेडी टेस्टेड होंगे, और आई एम श्योर वहां पर ऐसा कोई भी इशू आप नोटिस नहीं कर पाओगे। तो ये चीज आप माइंड से निकाल दो कि डिस्प्ले के साथ में ऐसा कुछ इशू आपको देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल OnePlus Nord के डिस्प्ले के साथ में आपको एक बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। बाकी अगर बात करें कुछ कॉन्स की, तो मैंने डिस्प्ले को लेकर एक कमी नोटिस की है कि जब मैंने यहाँ पर पबजी गेम को प्ले करके देखा तो सिर्फ HD ग्राफिक्स मोड पर ही पबजी गेम खेल सकते हो। इट्स रियली सरप्राइजिंग कि 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने के बावजूद आपको यहाँ पर HDR का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि OnePlus इस चीज को OTA अपडेट के थ्रू बहुत ही जल्दी फिक्स कर देगा। इसके अलावा सुपर एमोलेड पैनल होने की वजह से आपको बैटरी बैकअप काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। ये डिवाइस 4115 mAh की बैटरी के साथ में आता है, जो कि काफी अच्छा बैटरी बैकअप आपको दे देगा। इसके अलावा आप इस डिवाइस का स्क्रीन ऑन टाइम भी देख सकते हो, तो मुझे अभी तक काफी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिला। इसके अलावा आप इस डिवाइस में एडवांस ऑप्शन में जाकर डिस्प्ले को 90 Hz से 60 Hz पर भी स्विच कर सकते हो, जिससे आपको और भी ज्यादा बेटर बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा।
ऊपर से 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग बहुत ही इंप्रेसिव है। तो गाइस ये था एक ओवरऑल एक्सपीरियंस जो मैंने अभी तक OnePlus Nord के डिस्प्ले के साथ में एक्सपीरियंस किया, एंड ट्रस्ट मी गाइस आप लोगों को भी ये डिस्प्ले बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो डिस्प्ले रिव्यू के अंदर यही कुछ था जो जनरली आप चाहते थे। बाकी कॉमेंट्स में आप मुझे बताओ कि आप किस तरह का रिव्यू देखना चाहते हो। और हाँ, कैमरा रिव्यू बहुत ही जल्द आएगा, और भी काफी सारे रिव्यूज आना बाकी है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अपना सपोर्ट यूं ही देते रहो। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।